कारण कुछ कच्चे मकान और झुग्गियां बह गईं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी और रुक रुक कर बारिश हुई। भारी बारिश के मद्देनजर मौसम विभाग ने कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान विभाग ने पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। एक तरफ जहां पहाड़ों से मलबा गिर रहा है, तो वहीं बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। असम में पिछले 2 से 3 दिन में मूसलाधार बारिश से थोड़ी राहत मिली है, जिसकी वजह से बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार देखा जा सकता है। हालांकि अभी भी राज्य के 24 जिलों के 2400 गांवों में 25 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या 84 हो गई है। वहीं भूस्खलन की वजह से 26 लोगों की मौत हो गई है, जिससे मरने वालों की कुल संख्या 110 हो गई है। उधर बिहार में सभी प्रमुख नदियों के उफान पर रहने से राज्य में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बूढ़ी गंडक नदी की बाढ़ से मुजफ्फरपुर का एक गांव जलमग्न हो गया है। राज्य के 8 जिलों में 2,92,000 की आबादी बाढ़ प्रभावित है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से 11,000 से अधिक लोगों को निकाला गया है। 7 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जिनमें 2,000 से अधिक लोग शरण लिए हुए हैं। लगभग 20,000 बाढ़ प्रभावित लोगों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए 27 सामुदायिक रसोई चलाई जा रही है। अनेक परिवारों ने तटबंधों पर शरण ली हुई है। हिमाचल प्रदेश में आगामी दिनों में अधिक बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में 20 व 21 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बार 2.49%, 5 राज्यों में मृत्यु दर का आंकड़ा 0। दुनिया में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित 11 देशों में भारत से 8 गुना अधिक संक्रमण, जबकि 14 गुना अधिक हुई मौतें। अब तक देश में 6,77,000 से ज्यादा मरीजों ने दी कोरोना को मात। सक्रिय मामले हुए 3,73,000 से ज्यादा। कुल मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 26,816। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 23,672 मरीज स्वस्थ। बिहार में कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य टीम राज्य के दौरे पर। देश में सरकार का ध्यान कोविड-19 के मामलों का प्रारंभिक स्तर पर पता लगाने और लोगों का जीवन बचाने पर है केंद्रित। राज्य में कोरोना की जांच की सुविधा 1-2 दिनों में अनुमंडल स्तर पर होगी उपलब्ध। दिल्ली में भारी बारिश, मौसम विभाग ने कहा 21 जुलाई तक राजधानी NCR में बारिश की आशंका। बिहार में नदियों के उफान पर रहने के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है गंभीर। असम में बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार। कोविड-19 महामारी के दौरान देश में डिजिटल तकनीक के माध्यम से न्यायालयों में हुई मामलों की सुनवाई। केंद्रीय कानून एवं IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा सुप्रीम कोर्ट में 7,800 जबकि हाई कोर्ट में 1,75,000 और सब ऑडिटिंग कोर्ट्स में 7,34,000 मामलों की डिजिटल तरीके से की गई सुनवाई। दुनिया भर में नहीं थम रहा कोरोना वायरस का कहर। विश्व में संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर हुई 1,43,00,000 से ज्यादा। 6 लाख से ज्यादा लोगों ने गंवाई अपनी जान। अमेरिका में कुल 70,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज। 50 में 41 प्रांतों में लगातार हो रही है कोविड-19 के मामलों में वृद्धि। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में भारी इजाफा। ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या बढ़कर हुई 6 करोड़।